परोपकार जन कल्याण सेवा समिति की ओर से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन के ब्लॉक किदवई नगर स्थित मधुलोक ब्लड बैंक में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश अवस्थी अध्यक्ष महानगर समिति व अध्यक्ष भगवान परशुराम महासभा, रॉयल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय वाजपेयी, आरोग्य धाम होम्योपैथिक क्लिनिक ग्वालटोली के डॉक्टर हेमन मोहन, डॉक्टर आरती मोहन मौजूद रहे। शिविर में लगभग 40 से 50 लोगों ने रक्तदान किया, जिसके बाद रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के प्रबंधक दीपांशु पांडे, अध्यक्षा कोपल पांडे, शिव पूजन सविता, हरिओम वाजपेयी, प्रशांत शुक्ला, चेतन तिवारी, लकी आदि मौजूद रहे। हमारी संस्था के नाम परोपकार जन कल्याण सेवा समिति है, वो प्रत्येक वर्ष 23 तारीख को हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार का रक्तदान आयोजन हमारा कानपुर कमिश्नरेट के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये मधुलोक हॉस्पिटल के ब्लॉक में है, इसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने लोगों ने किया अभी तक? तो कम से कम 8 से 9 लोगों ने कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि 30 से 40 लोग कम से कम शाम को 5 बजे तक करेंगे। डोनेशन का उद्देश्य ये है कि जो थैलेसीमिया बीमारी है, जिसमें हर माह लगभग ब्लड की जरूरत पड़ती है, इसमें पीड़ित बच्चों के लिए हम लोग ये रक्त दान करके रक्त एकत्रित करेंगे। मैं मधुलोक हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। ये दीपांशु पांडे की परोपकार संस्था मेरे बचपन का दोस्त है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट के लिए आया हूँ। लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग रक्तदान करें, जिससे औरों का भी भला हो।